उसकी स्टार्टिंग ही हमारे नाम से ही होती है। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं L&T में जॉब कर रहा था और ये पहले से म्यूज़िक कर रहा था। एंड मेरी नेबर और इसकी बहन फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने जस्ट वन डे बोला कि अरे यहाँ पे एक रोहन है जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और यहाँ पे एक रोहन है जो म्यूज़िक कर रहा है, तो वो नाम से ही हम लोग जुड़े। हम फिर उसके बाद एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का काम सुना। उसने तो काम उसके पहले भी दो तीन मराठी फिल्म्स किए थे, मैंने अपना काम सुना, उसके बाद हमने दो तीन महीने काम ही नहीं किया। एंड देन वन फाइन डे निकलोडियन करके चैनल है, आपको सबको पता होगा, उस पर एक शो था कीमोन करके, और उसमें 30 सॉन्ग्स चाहिए थे, इट्स एन एनिमेटेड शो। एंड वो प्रोजेक्ट से फिर हमने शुरुआत की देखना कि काम हो सकता है क्या, साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। और फिर वो प्रोजेक्ट में ही इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ कि उसके बाद वी नेवर लुक बैक। दिस इज़ 2014। मुलाकात हुई आप दोनों की म्यूजिक को लेकर, बिकॉज़ इट्स ऑलवेज अस टू क्रिएटिव पीपल, एक हमेशा एक क्रिएटिव थोड़ा सा एक बार अपना हमेशा ऊपर रहता है, दैट्स व्हाट वी हर्ड। तो आप दोनों कैसे जेल किए इन द म्यूजिक स्पेस? फ्रैंकली तो जब पहली बार मिले थे तभी हम दोनों भी थोड़े से मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे में, बिकॉज वी नेवर न्यू कि ये भी ऐसा कोई है जो म्यूजिक कर रहा है, और मैं भी ऐसा उसको भी पता नहीं था कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पहले तो बहुत फॉर्मल था एक्चुअली मिलना हमारा, बट जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए, कीमोन का जैसे हमारा काम हुआ, वैसे हमको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि हमारी वेवलेंथ बहुत मैच करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये था कि दोनों का म्यूज़िक का टेस्ट जो है वो बहुत डाइवर्स है। सो मैं बहुत इंडियन और वैसे सब पुराने गाने और ये सीख के बड़ा हुआ हूँ। रोहन का बहुत वेस्टर्न कल्चर और जॉन विलियम्स और हैंस ज़िमर ये सब पढ़ सुन सुन के आगे किया है। तो आई थिंक वो जो म्यूज़िक का एक डाइवर्सिटी है हमने दोनों ने साथ में लाकर कोशिश किया करने का, वो वर्क कर गया है समझ लीजिए। राइट, इस वर्ल्ड डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी सबसे बड़ा ब्रेक था वेंटिलेटर करके मराठी फिल्म जो हमने की थी, प्रियंका चोपड़ा ने जो प्रोड्यूस की थी, तो आई गेस वो उसका जब हमने म्यूज़िक बाबा करके एक सॉन्ग है जो बाद में प्रियंका चोपड़ा ने खुद गाया, दैट इज़ प्रॉब्ली दी ओनली मराठी सॉन्ग दैट शी हैज़ संग। एंड कट्टू वहाँ पे और एक गाना है यारे या सारे या करके जो बहुत गणपति में, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग मराठी में, प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी उसी की वजह से है कि एक बहुत एथनिक गाना वेंटिलेटर में था, फिर एक बहुत इमोशनल गाना था बाबा करके। सो आई गेस वो डाइवर्सिटी ही देन आगे जाके हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी। डाइवर्सिटी में कई बार यू नो व्हेन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर एक इनपुट और ओपिनियन थोड़ा अलग-अलग रहता है, सो कितने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आप लोगों में? जीरो, बिल्कुल भी नहीं। हां बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज़ इसका एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम दोनों भी हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के साथ रेडी रहते हैं। हम कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि अगर एक चीज़ मैंने बनाई है तो वो वर्क करनी ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं करता हूँ वो वर्क नहीं करता, उससे ज़्यादा बेटर इसको आता है कुछ। बहुत बार ऐसे भी होता है कभी वो एक लाइन लिखता भी है या कुछ करता है तो वो वर्क नहीं करता, एंड वी आर एक्सट्रीमली ओके विद इट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि हमको ऐसा लगे कि अरे नहीं ईगो आ गया कहीं पर, बिल्कुल भी नहीं है। हम वी आर कम्प्लीटली फाइन कि ये नहीं वर्क करेगा तो हम प्लान बी के साथ रेडी है। और इसका इसका आई गेस फ़ायदा क्लाइंट को भी बहुत होता है। जैसे इतने मुझे याद है जब हमने मैं बढ़िया तू भी बढ़िया किया था संजू के लिए, तो उसके 18 वर्जन्स है। अब ये 18 वर्जन्स इसीलिए पॉसिबल हुए तक क्योंकि हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी थे, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी। राजू सर को वो वहाँ पे ऐसा एरा दिखाना था 60s का कि अगर 60s में एक बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में अगर आपका उस ज़माने में पब्स रहते थे तो किस टाइप का म्यूज़िक रहेगा, तो उसमें एक नेजल टच और उसके बाद वो एक ग्रूव जो है, और इतना ज़्यादा लिरिक्स पे भी काम हुआ था। तो आई गेस वो बहुत सारे वर्जन्स उसी लिए बन पाया बिकॉज वी वर ओपन टू अ फैक्ट कि नहीं लेट्स नॉट बी स्टबर्न कि नहीं यही है, लेट्स बी ओपन टू हिज ब्रीफ ऑल्सो। तो आई गेस दैट वर्क्ड। और राजू सर का आप सबको पता भी है कि उनका काम करने का तरीका ही वो है। हाँ करेक्ट, ही इज कम्प्लीटली इनटू फिल्म। मतलब उनके हर गाने को
फिल्म का एज होना ही चाहिए तभी वो उस चीज़ को अप्रूव करते हैं, और इसीलिए हमारे तो बहुत ज़्यादा सेशन जो है उनके साथ में, बट बहुत प्यारे सेशन से तो वी आर वेरी हाँ, हमने रणवीर कपूर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है। या एब्सोल्युटली नेशनल अवार्ड मिलना लाइफ के इतनी यू नो करियर के इनिशियल स्टेज पे मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हां, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हमने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी बाल्डो करके, एंड पिछले ही साल उसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म का। सो आई बिलीव जब मुझे तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया तो मैंने उससे पूछा कि देख लेना बार्डो नाम के कोई दो फिल्म्स तो नहीं है, क्योंकि वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। और वो फिल्म बहुत आई मीन इट विल कम आउट सून, अभी उसका फाइनल डीलिंग चल रहा है, बट इट्स सरियल थॉट। बाकी सब अवार्ड्स एक जगह, नेशनल अवार्ड एक जगह, दिल्ली जाके आई गेस डिप्टी प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट से वो अवार्ड लेने में बहुत बहुत अलग ही खुशी होती है। और आई गेस वेंटिलेटर को भी 3 नेशनल अवार्ड्स थे, फिर उसके बाद हमारे बार्डो को मिले, फिर वापस सुमी को मिले, हाँ उसको तो गोल्डन लोटस मिला था। तो इट इज़ अ सो ये तीन हो गए अभी, ऐसा बोल सकते हैं। तीन तीन फिल्म है जिसको नेशनल है हमारे। फिल्मों की बात करें, संजू छत्रीवाला, वेंटिलेटर, ठाकरे, किस्सेबाज, बकेट लिस्ट, एसके सर क्लास, बाईपास रोड, ज़ॉम्बी वली, विजेता, सुमी जो अभी आपने मेंशन किया, मुंबई जली मुंबई, एंड हड्डी। A very vast and extensive and exhaustive journey when it comes to music, and you know, you have composed for the best of films, best of actors. So kitna challenging rehta hai when you move on from one film to another with different creative space, how does that happen? बहुत फ़र्क है, और एक्चुअली एडवांटेज वही है कि हमने इतनी जो फिल्में की है मेजर, वो सब पूरी फिल्में की है। आजकल के ज़माने में ऑल नो कि एक गाना मिलता है कोई कंपोज़र को, 6 कंपोज़र्स रहते हैं। सो वो एरा में वी स्टिल प्रेफर कि पूरी फिल्म हो। हड्डी के भी 7 गाने और पूरा बैकग्राउंड स्कोर हमने किया। इवन संजू में 3 गाने हमारे थे, विजेता पूरी हमने की, बकेट लिस्ट पूरी, वेंटिलेटर पूरी। सो वो प्रोसेस हमको ज़्यादा पसंद है, जहाँ डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है और जिसके ब्रीफ के ऊपर पूरे सिचुएशनल गाने बनते हैं, एंड वहीं पे हम लोग हमारी वर्सेटैलिटी पे काम कर सकते हैं। इवन ठाकरे का पूरा एल्बम हमने किया था। सो वही फिल्म से ज़्यादा हमें कनेक्टेड रखता है, रादर देन यू नो कभी हमको बस, हमने ये भी किया है, हमने बाईपास रोड में एक गाना किया था, बट वो कैसा है कि नील हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उसको हमने जस्ट एक बार गाना सुनाया था, ही लव्ड इट सो मच, तो उसने बोला ये तो चाहिए। सो इवन दैट अकर्स, उसका भी एक अलग मैजिक है। बट आई गेस फिल्म के सोल तक पहुंचने के लिए पूरी फिल्म करना कभी भी प्रेफर्ड है, और वेब सीरीज। और ये भी कहना चाहूँगा कि हम दोनों चाहते हैं कि हमको लोग याद भी इसीलिए करें कि इनका म्यूज़िक वर्सेटाइल है। इस म्यूज़िक में हमारे कभी भी टाइप कास्ट नहीं होता, हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि अगर हमारा ये गाना चल गया है, अगर ये वर्क कर गया लोगों के लिए, तो हमको उसी जोन में सारे गाने बनाने चाहिए। हम लोग इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। वी ऑलवेज बिलीव कि गाने ऐसे हो जो फिल्म को आगे लेकर जाए, क्योंकि हम फिल्म के लिए म्यूज़िक कर रहे हैं। अगर हमको एक टाइप कास्ट, एक तरीके का अगर म्यूज़िक करना हो, तो वील डू आर ओन सिंगल्स, हम उसमें करेंगे, वील डू एक्सपेरिमेंट्स देयर। बट अगर आप फिल्म कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और हम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखते हैं कि हमारा म्यूज़िक वर्सेटाइल हो, हर चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो जो फिल्म को करेक्ट आगे लेके जाए। ऐसा कौन सा एक एक्टर, लाइक यू वर्क विद प्रियंका, यू मेंशन अ कंप्लीट मेकओवर जर्नी फॉर रणवीर, सो व्हिच इज दैट वन एक्टर यू हैव यू नो यू हैव एंजॉयड गिविंग द म्यूजिक फॉर इन द फिल्म, एंड व्हेन फाइनली इट्स देयर ऑन द स्क्रीन एंड यू सेड लाइक वाओ दिस रियली लुक्स गुड एंड फील्स नाइस? मल्टीपल, सो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया, ऑब्वियसली बिकॉज़ वी हैव सीन रणवीर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो प्रियंका को रिकॉर्ड करते वक्त, आई मीन उस वो न्यूयॉर्क में थी तो वहाँ पे रिकॉर्ड किया था हमने, उसने हमको सिर्फ 3 घंटे दिए थे, बट इन दी एंड 8 घंटे का रिकॉर्डिंग चला था, बिकॉज शी हैड लर्नड मराठी के र श न, एंड वो सब करके उसने वो गाना किया। वो आज भी इसलिए गाना चलता है। आई मीन ऑल्सो बकेट लिस्ट, आई मीन एवरीबडी इन मराठी वॉज ग्रोन अप न्यू दैट जिस दिन अगर माधुरी दीक्षित डज हर फर्स्ट मराठी फिल्म, यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और उस वो पूरे फिल्म का पार्ट होने को भी हमको मिला। मी हु डज नॉट वॉन्ट टू
give music to Madhuri Dikshit. And it was actually a bucket list. I mean, tick to our bucket list. And Haddi, of course. Yeah. Nawaz. We've seen the transformation of Nawaz. He has been unimaginable. I mean, the way he has performed. उनका जो परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट सारे बड़े एक्टर्स आप जिनको भी देखो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, वो बहुत प्यार से काम करते हैं और उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को बहुत मज़ा आता है. एंड वी आर सो हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच ब्यूटिफुल फिल्म. ऐसा कोई डायरेक्टर जिनका काइंड ऑफ म्यूजिक that you've not been part of and you're aspiring for and the kind of music that you think you would love to to justice at your end? Oh, I love Imtiaz Ali's vision towards music. तो बहुत सूफिज़म एंड बहुत हार्ट और सोल रहता है उनके हर एल्बम में. सो आई गेस वो जॉनर ट्राई करना कभी भी आई गेस हमको बहुत अच्छा लगेगा. अनुराग बासु. हाँ या अगेन उनका म्यूजिकल टेस्ट बहुत अच्छा है. संजय लीला भंसाली सर तो खुद ही करते हैं तो आई गेस वहाँ पर हम बोल सकते हैं. बट या बट yes हाँ, oh my god, हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था. एक तो पूरी फिल्म उसमें 7 गाने, पूरा बैकग्राउंड स्कोर, ट्रांसजेंडर का बैकड्रॉप, क्योंकि हम लोग जस्ट ठाकरे किया था नवाज भाई के साथ. एंड उसके बाद वी वेर नॉट इन टच बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल, सो हम डायरेक्टर से मिले थे और उसके बाद हड्डी आई थी और फिर हड्डी का पहला पोस्टर दिखा था उन्होंने, नवाजुद्दीन का ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई मीन दैट वॉज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर अस. बाकी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है एंड द फ्रीडम दैट वी गॉट इन द फिल्म, बहुत ही फ्रीडम दिया है. आज के डेट में एक कंपोजर के लिए इट्स अ ब्लेसिंग टू गेट सच काइंड ऑफ अ फ्रीडम. उसके लिए तो जी और हमारे डायरेक्टर अक्षत, इन दोनों को हम लोग जितना भी थैंक करें बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमको बोला कि just do what you feel is right for the film. तो इसीलिए एक्चुअली हम लोग इतने नए जॉनर्स ट्राई कर सके. हम लोगों ने उसमें एक ठुमरी की है जो मेटल पे है, मेटल हार्ड रॉक जैसे जॉनर पे एक नया जॉनर एक्सपेरिमेंट किया है उसमें, और वो आता भी बहुत ही प्यारे सीन पर है जहाँ पर आप अगर फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा अनुराग सर हेडफोन लगा के सारे लोगों को शूट कर रहे हैं एंड द ठुमरी प्लेज. तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है और उस पर बहुत ही अलग काइंड ऑफ म्यूजिक हमने करने की कोशिश की है. एंड वी आर थैंकफुल टू द मीडिया, क्योंकि हमने जितने रिव्यूज पढ़े हैं हड्डी के सब में म्यूजिक का मेंशन है कि म्यूजिक और बीजीएम के कारण बहुत फिल्म अपलिफ्ट हुई है. तो वी आर वेरी थैंकफुल कि वो चीज़ नोटिस हुई. मैं तो बहुत बार फिल्म के रिव्यूज में इट इज ओनली टिल परफॉर्मेंसेज एंड डायरेक्शन एंड बट म्यूजिक हर रिव्यू में मेंशन किया गया. सो दैट इज़ अ वेरी इंकरेजिंग थिंग. एंड एक्चुअली B2B जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत अभी उसके बारे में वी आर गेटिंग गुड रिव्यूज़ फ्रॉम अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन हाउसेज की द अप्रोच टूवर्ड्स फिल्म बहुत अच्छी रही है. सो वी आर वेरी थैंकफुल. इट्स लाइक थ्रोइंग द डाइस, यू नो, जिस जो पहली बार इससे डील करता है फिर एंड तक यही डील करता है. अगर मेरे से कोई डील करता है तो एंड तक मेरे से. सो दो गाने आपके कोई भी जो फेवरेट है जो बहुत अप्रिशिएट है यू लाइक टू सिंग टू द ऑडियंस? हां मैं बढ़िया तू भी बढ़िया एवरीबॉडी नोस, सो अभी भी शादियों में बहुत चलता है और बच्चों में बहुत चलता है. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया शादी कर ले सांवरिया, फूटेंगी फिर फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया. मैं बढ़िया तू भी बढ़िया पर मैं आजाद हूँ चिड़िया, रख तू अपनी फूल झड़िया बढ़िया बढ़िया. Another one. So अभी recent हड्डी का गा लेंगे बेपर्दा. ये गाएगा ये बेटर सिंगर है. कैसे कैसे लम्हे आते हैं मन में कई सवाल लाते हैं, खोए थे हम न जाने कहाँ जो आज खुद से मिलने आए हैं, पल भर थी दूरियाँ पल भर थी हस्तियाँ पल भर का ये सफर लगे सदियों सा,
बेपरदा बैरागी रूह ने रुतबा पाया रे, बेपरदा अब जाके मैंने खुद को पाया रे। हाँ सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरीके से खाने में नमक नहीं हो तो पता चल जाता है खाना ना सही नहीं, उस तरीके से आज हमारी फिल्म हो गई कि अगर उसमें म्यूजिक ना हो तो समझ में आता भाई कि कुछ तो गड़बड़ है। और अभी प्लेटफॉर्म्स भी काफ़ी बढ़ गए कोविड के बाद से, OTT काफ़ी तेज़ी से दौड़ पड़ा है और कहीं ना कहीं अब यूथ सिंगर्स भी सामने आ रहे, कई सिंगर्स अभी हर कोई बंदा अपनी एक कहीं ना कहीं गाने लॉन्च कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो आप दोनों को क्या लगता है जिस तरीके की आपने अपनी जर्नी अभी तक बताई है, तो क्या लगता है किस तरीके का चेंज आप चाहते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में अगर हो जाए तो थोड़ी कहीं ना कहीं और म्यूजिक इंडस्ट्री एक और टॉप पर जा सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली हो भी रहा है, मैं बोलता आप जो कह रहे हैं ना वो इतना अच्छा जब बिकॉज ये इंडस्ट्री इतनी डाइवर्स हो गई है तो नए नए सिंगर्स और नए नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें काम करने के लिए। जैसे हम जितना कमर्शियल म्यूज़िक कर रहे हैं फिल्मों में उतना ही एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक हम OTT पे कर रहे हैं। जैसे TVF के काफ़ी शोज़ हम करते हैं, हॉस्टल डेज हो गया, परमानेंट रूममेट्स हमने किया है, फिर उसके बाद अभी ह्यूमरसली और आने वाला है, सिक्सर जो था उनका एक क्रिकेट पे, तो उसमें काफ़ी नए सिंगर्स को TVF खुद अपॉर्चुनिटी देती है और काफ़ी अलग जॉनर्स भी उसमें जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है उनका काम सुन के उसमें लिया जाता है वर्सेस कभी कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा में वही 5-6 नाम के बीच में चलता है कि यही सिंगर यही है। तो वो आई बिलीव कि मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी आपने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और सी क्या है ना, न्यू टैलेंट को ना लोग हमेशा थोड़े अनकाइंड रहते हैं, हमेशा ऐसा रहता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हड्डी में 7 गाने हैं बट 3-4 कमेंट्स ऐसे आते हैं हड्डी पे बिना सुने कि अरे ये एल्बम में तो अरिजीत सिंह का कोई गाना ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग फॉर अ न्यू सिंगर, एक नया सिंगर भी हम अगर हर गाना अरिजीत सिंह से करवाएंगे तो नए लोग कब आएंगे? सो आई गेस बहुत ज़रूरी है कि हम नए टैलेंट को, और आप हड्डी का एल्बम देखिए तो सब 7 सिंगर्स सब अलग है, एक रेखा जी है, दूसरी प्राजक्ता है, बाकी सब ऑलमोस्ट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट फिल्म के लिए काफ़ी नए हैं। ग्रेट, मैं आपसे एक लास्ट ही जानना चाहूँगा, अगर हम सारी टेक्नोलॉजी को भूल कर अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो हम देखते थे कि पहले रेडियो चलता था सिर्फ और हम उसकी आवाज़ से पहचान जाते थे कि हाँ ये मोहम्मद सर की आवाज़ है या इनकी आवाज़ है। पहले इस तरीके का हमारे आइडेंटिफिकेशन था गाने की आवाज़ से पता चलता था बिना देखे। एज एन सिंगर, एज एन कंपोजर, एज एन, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या लगता है किस तरीके का एज एन म्यूजिक के अंदर हमें अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए कितनी क्या मशक्कत करनी पड़ती है, किस तरीके से हम अपनी एक छाप बना सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर में? छाप आप बिल्कुल बना सकते हो सर, आप तभी का बिल्कुल आप करेक्ट बोले कि रफ़ी साहब है या लता दीदी है या इनके, बिकॉज वो लोग एक फिल्म में 10-10 गाने होते थे तभी और सारे वही गाते थे, 4 ही तो सिंगर्स थे सर, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, किशोर दा थे, लता दीदी और आशा थी, ये लोग ही काम कर रहे थे, ये लोग ही गाने गा रहे थे, तो ऑब्वियसली उनका लेवरेज ज़्यादा होता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली उनको सुनते हो। आज के एरा में भी आप देखो जैसा रोहन ने बोला, लोग बोल रहे हैं कि अरिजीत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम गाने अरिजीत गा रहे हैं। तो आप आज भी अगर रेडियो पे जब भी उसका गाना प्ले होगा तो आपको पता चल जाता है कि अरिजीत है। रोहन ने जैसे कहा, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन यहाँ पर होना ही चाहिए। यहाँ पर एक सिंगर को ही लेके कंटिन्यूसली अगर काम करते रहोगे तो ऑब्वियसली उनकी पहचान बनेगी, लेकिन उनके बिना बाकी लोगों की पहचान नहीं बनेगी, है ना? तो सबको अगर हर एल्बम में नए सिंगर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती जाएगी और गाते रहेंगे रेगुलरली, हालांकि अच्छा होना चाहिए उसके लिए, लेकिन अगर अच्छे लोग गाते ही रहेंगे तो उनकी आवाज़ें भी ऐसे ही पहचान में आएंगी। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तक एज इन आई थिंक 2-3 साल पहले तक म्यूज़िक वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली द फिल्म इंडस्ट्री, है ना? अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी बन रही है बिकॉज इंडिपेंडेंट काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इट इज़ अ मेजर चेंज आई थिंक, और ये होना ही चाहिए कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री, जैसे अब्रॉड में भी आप देखो तो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वहाँ पर शायद एक्टर्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनके सिंगर्स को होता है, है ना? आई थिंक यहाँ पर भी वो चेंज आ रहा है, धीरे धीरे होता रहेगा। एंड लास्टली, इस सपनों की नगरी यहाँ पे अक्सर कई लोग रोज आते, लाखों लोग आते हैं सपने लेकर,
उन यूथ्स को, उन सिंगर्स को जो इस तरीके से पहुंचना, कहीं ना कहीं जितने सक्सेस आपने भाई कहीं ना कहीं चाहते कि इससे थोड़ी भी अगर सक्सेस हमें मिल जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी की शुरुआत हो जाए, तो उन यंगस्टर्स को, उन यूथ को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आप प्लीज़ अपना काम, अभी तो ईजी हो गया अपना काम बाहर लाना, आप यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे अपना काम ला सकते हैं, और हम भी वो देखते हैं, हमने काफ़ी सिंगर्स के इंस्टा रील्स देख के ही उनको बुलाया है, उनसे सॉन्ग्स गवाए हैं, तो प्लीज़ आपका काम बाहर जितना आएगा वो अच्छा ही है, और डोंट लूज़ हार्ट, आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बार सिंग आपसे स्क्रैचेस करवा देते हैं और फिर फाइनल वर्जन कोई बड़े सिंगर से करवाते हैं, बट यही आप जब 10 स्क्रैचेस गाओगे ना तो 100% उसमें से एक फाइनल होगा, तो आई मीन उतने ज़्यादा उतना ज़्यादा काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी में आप आपका नंबर भी आएगा, हमारा भी वैसे ही हुआ था, बस मेहनत करते रहना, हमारी फील्ड ही वैसी है, आपको मेहनत करते रहना है और फोकस रखना है, म्यूजिक करते रहना है, गाते रहिए, लोगों तक अपने आप पहुँच जाएगा। थैंक यू, थैंक यू।